नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो विनो टेक गुरु चैनल। आज हम आज की तारीख में करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आए हैं। 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ है जो अखबार से ली हुई है। जो साथी अखबार नहीं पढ़ सकते वो हमारी वीडियो देखें। हर रोज़ हम आने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डालते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं, क्योंकि हमारे डालने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है MyMP रोजगार पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतवंशी को मलेशिया में कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? मलेशिया में कैबिनेट मंत्री बनाया है इस भारतवंशी को। इसका राइट आंसर है गोविंद सिंह देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन और थ्री क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस देश के व्यक्ति को नो फ्लाइट लिस्ट में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है भारत के ज्वेलर बिरजू किशोर को नो फ्लाइट लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन सोलर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन है? इसका राइट आंसर है असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेशन बना है। इससे पर्यावरण के संरक्षण में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर है ओल्गा टोकरजुक को। ओल्गा टोकरजुक को मैन बुकर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है 145वां स्थान मिला है स्वास्थ्य सेवा संबंधी में दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की? इसका राइट आंसर है AB डिविलियर्स ने संन्यास लेने की घोषणा की। इस क्वेश्चन को ऐसे भी उठा सकते हैं, AB डिविलियर्स क्रिकेटर खिलाड़ी किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने इंटरसेप्टर मिसाइलों व उपकरणों की बिक्री को अमेरिका ने जापान को मंजूरी दे दी? इसका राइट आंसर है 4 उपकरणों मिसाइलों को मंजूरी दी अमेरिका ने। ऑडिट फर्म प्राइस वाटर हाउस को सत्यम घोटाले में कितने साल का प्रतिम लगा? इसका राइट आंसर है 2 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 12 जनवरी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक करें, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।